हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। हर बार की तरह आज भी हम फाइव वर्ड्स डिस्कस करेंगे और अंत में इनका टेस्ट लगाएंगे। देखिए पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है VENL, वेनल होता है जो करप्ट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, करप्ट हो, जो बहुत ही ज़्यादा बेईमान हो, उसके लिए आता है वेनल। अब अगला है VENIAL, इसी से रिलेटेड वर्ड है, दोनों एक साथ याद रखेंगे तो अच्छी तरह याद रखेंगे। वीनियल मतलब होता पार्डनेबल, क्षमा करने योग्य या फॉरगिवेबल। अगला वर्ड है रिवाइल, REVIL। रिवाइल मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, सेंसन करना, बहुत ही ज़्यादा उसे फटकार लगाना। देखो क्रिटिसाइज इन एन अब्यूसिव वे, आप उसे बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव वे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर एंगरली इंसल्टिंग मैनर, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, इंसल्टिंग मैनर में उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, या लेम्बेस्ट करना या फ्लाई करना। आगे देखिए अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है सफ्यूज, SUFF, इसका इसके साथ में विथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ कहीं पे पूरी तरीके से फेल जाना, या फिर धीरे धीरे कोई चीज़, जैसे मान लो कि अंदर हम रूम में परफ्यूम डालते हैं अपने अंदर, तो वह पूरे घर में उसकी सुगंध थोड़ी थोड़ी फैल जाती है। इसी तरह जब हम अगरबत्ती चलाते हैं तो उसकी सुगंध भी पूरे घर में फैल जाती है, तो उसे ही कहते हैं सफ्यूज, मतलब पूरी जगह फैल जाना। जैसे एग्जांपल देखो, पहले इसका सिनोनम देख लो, परमिएट होता है सिनोनम। इसका सिनोनम है द एरोमा ऑफ सूप, सूप की एरोमा है ना, वो पूरी तरह हवा में फैल गई थी। हर चिक्स वेयर सफ्यूज्ड विद कलर, उसके जो गाल थे वो कलर से भरे हुए थे। सफ्यूज मतलब पूरी तरीके से गाल भरे हुए थे कलर से। या स्प्रेड थ्रो और ओवर समथिंग कम्प्लीटली, ये हमने पहले देख ही लिया, ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, कोई चीज़ पूरी की तरीके से या कम्प्लीट तरीके से फैल जाना। ये दो इसके एग्जांपल है। देखो इसमें सफ्यूज विथ का यूज़ किया है, इसमें भी सफ्यूज विथ का यूज़ किया हमने। आगे वाला वर्ड है क्वेरी, QUARY। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह का ये वर्ड काफ़ी आता रहता है। देखो इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो होता है जब हम खदान में जो निकालते हैं, जैसे पत्थर निकालते हैं, अदर मटेरियल निकालते हैं, उसे भी कहते हैं क्वेरी। जैसे लाइम स्टोन क्वेरी, जैसे मार्बल क्वेरी, मार्बल की खाने हैं, तो एक तरह से एक्सट्रैक्ट स्टोन और अदर मटेरियल फ्रॉम ए क्वेरी। क्वेरी से जब हम कोई चीज़ निकालते हैं जहाँ से, एक तरह से खान के लिए आता है, जो खाने वगैरह होती है, खदाने होती है, उनके लिए आता है। दूसरा होता है प्रे या विक्टिम, किसी का शिकार करने के लिए भी क्वेरी आता है। जैसे ग्राउज आर नॉट एन ईजी क्वेरी फॉर ए हवोक, हवोक जो चील होती है उनके लिए जो ग्राउज है ना, उसका शिकार करना बहुत आसान नहीं है, एक तरह से टफ है। ओके, अपने फाइव वर्ड हो गए, चलो देखते हैं इनका टेस्ट लगाते हैं। वेनल, वेनल क्या था, करप्ट। वीनियल था जब आप उसे माफ़ कर दें, या माफ़ी लायक है जो माफ़ करने योग्य। रिवाइल मतलब क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़्यादा सेंसर करना। सफ्यूज का था पूरे जगह फैल जाना, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि जब हम सेंट डालते हैं अपने अंदर तो वो उसकी सुगंध पूरे रूम में फैल जाती है, तो वो होता है सफ्यूज, मतलब फैल जाना। परमिएट करना, स्प्रेड थ्रो होना। क्वेरी मतलब खदान से स्टोन निकालना, या फिर किसी का शिकार करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।